हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था, जिसका हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था और हमने उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, और आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपने ये बात पढ़ी थी कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, है ना? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 स्टेट्स आपको समझ में आ गई थी, इनकी प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को अच्छे से लर्न हो गई होगी। अच्छा, अब हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है, क्या हम इन स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं? मतलब क्या जो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या गैस को लिक्विड में, या गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इन सभी सवालों का जवाब होगा यस। हम किसी भी स्टेट को किसी भी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैटर के कोई सी भी स्टेट हो, उसको हम दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, 2 फैक्टर्स यहां पर आते हैं। एक तो आएगा चेंज इन टेम्परेचर और एक आएगा चेंज इन प्रेशर। तो आप एक तो टेम्परेचर को चेंज करके स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, मेन फैक्टर वैसे यही होता है, और दूसरा होता है प्रेशर को चेंज करके। और कुछ केसेस में हमें दोनों ही करने पड़ेंगे, तब जाकर हम क्या है किसी भी मैटर की स्टेट को हम चेंज कर पाएंगे। तो अभी हम फर्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है किस पर, स्टेट को चेंज करने में, ठीक है? तो इसे समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी। तो आपके सामने एक एक्टिविटी है, आप इस एक्टिविटी को पहले बहुत ध्यान से पढ़ें, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने एक्टिविटी पढ़ ली होगी। एक्टिविटी में देखो क्या है, थोड़ा अपने शब्दों में मैं बता देता हूँ, आप इसको ईजिली इसको समझें, ध्यान से समझें इसको। और आपने क्या करना है, एक बीकर लेना है और बीकर में कुछ आइस क्यूब्स आपने डाल देनी है, मींस बर्फ के टुकड़े, है ना? तो कई सारे बर्फ के टुकड़े जो होते हैं, आइस क्यूब्स हमने इसके अंदर डाल दी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बर्फ का टेम्परेचर कितना होता है? आप सभी जानते होंगे ना, आइस का टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का टेम्परेचर होता है कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपने ये आइस ले ली। अच्छा, यहां पर आपने एक थर्मामीटर भी लगा देना है। क्लियर जो डायग्राम है एक्टिविटी में आपको शो हो रहा होगा, मैं प्रॉपर वैसा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, आपको एक रेफरेंस के लिए, ताकि थोड़ा और क्लियर तरीके से समझ में आ जाए, मैं इसलिए ऐसा एक डायग्राम बना देता हूं। तो आपको क्या करना है, आइस क्यूब्स लेनी है और उनमें एक थर्मामीटर आपने डाल देना है। थर्मामीटर का काम क्या होता है आप सभी जानते हैं, थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है कि टेम्परेचर क्या है इस सब्सटेंस का, या जो भी जिस चीज में भी हमने डाला हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक थर्मामीटर लगाया हुआ है और यहाँ पर हमने क्या ली हुई है, आइस ली हुई है। क्या ली हुई है हमने यहाँ पर? एक आइस, ठीक है? अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो थर्मामीटर भी यहाँ पर कितना रीड करेगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस आइस को हीट करना शुरू करते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स आप लोग, ये आज की क्लास का जो टॉपिक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये इसमें तो यूज ये होगा ही, और आगे के भी कुछ चैप्टर्स में इसका यूज होगा, और ये एक बार समझ में आने वाला टॉपिक है। अगर आप आधा अधूरा अगर इसको समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो मैं एक ही आज की ही क्लास में ये पूरा टॉपिक एक साथ खत्म कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा आपको और ज्यादा अच्छे से समझाने की, दो दो बार समझाने की। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम अगर होती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? बस फोकस आप पूरा अपना इधर ही रखें, पूरा ध्यान अपना यहाँ पे रखें इसको समझने के लिए। कई बच्चों को बार बार समझाने पर भी ये टॉपिक समझ में नहीं आ पाता है, ठीक है ना? तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे। चलिए,
तो मैंने क्या करा, एक बीकर में बर्फ हमने डाली हुई है और उसमें बर्फ का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमने एक थर्मामीटर लगाया हुआ है, थर्मामीटर भी क्या रीड करेगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस रीड करेगा, बिल्कुल ठीक है। अब आपने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, हमने एक बात पढ़ी हुई है, ये जब हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये बात हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, किसी भी चीज़ को अगर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने से उसका टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स एक जादू होगा, जादू क्या होगा, जब हमने इस आइस को जब हीट करा, हीट करने पर हमने क्या देखा कि ये सारे के सारे जो बर्फ है ये पिघल जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि ये जो हमारी आइस है अभी यहाँ पर क्या थी, सॉलिड स्टेट में थी, अब वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी किस में, लिक्विड स्टेट में। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बर्फ को आप जरा सा गर्म करोगे तो वो पानी में कन्वर्ट होगा, कोई नई बात नहीं है। नई बात यहाँ पर ये होगी, जादू यहाँ पर ये होगा, देखो यहाँ पर आइस का टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। ये थर्मामीटर जो हमने लगा रखा है ना, हम क्या देखेंगे, अभी भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। हो गया नहीं हो गया जादू, अब हुआ क्या समझते हैं इसको। मतलब आप जब आइस को हीट कर रहे हो, आइस को हीट करने से आइस का टेम्परेचर पहले कितना था थर्मामीटर में, हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस था। अब जब हमने इसको हीट कर दिया और हीट करने के बाद हमने देखा है सारे के सारे जो आइस है किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, स्टेट इसकी चेंज हो गई। यानी सॉलिड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया बाई हीटिंग। लेकिन टेम्परेचर क्या है, अभी भी इसका चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर अभी भी कितना है इसका, 0 डिग्री सेल्सियस है। अब कुछ टर्म्स यहाँ पर हम देखेंगे पहले, उसके बाद ये बताऊंगा मैं ऐसा क्यों हो रहा है ना। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान रखें, ये सॉलिड जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्यूजन। क्या बोलेंगे इसको, फ्यूजन। ये डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएंगी सारी, ठीक है। तो फ्यूजन की डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। क्लियर होगी बातें वाली, ठीक है, पहली बात ये। अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर वाटर आपको दिख रहा है सॉलिड स्टेट में भी है और लिक्विड स्टेट में भी है। मतलब आपके पास जो वाटर है ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड स्टेट में भी रह सकता है और लिक्विड स्टेट में भी रह सकता है, और दोनों का टेम्परेचर ही क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर यह सॉलिड फॉर्म में है और यहां पर यह लिक्विड फॉर्म में है। अच्छा एक बात और, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, यानी कि आइस यहाँ पर क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस को मेल्टिंग ऑफ आइस भी कह देंगे। तो यहाँ पर आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है ना। तीसरी बात, यहाँ पर एक टर्म हमें पढ़ने को मिलेगा जिसको हम बोल देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, किस टेम्परेचर पर जो सॉलिड है मतलब जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई है, कितना टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ठीक। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने देखा कि आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोल देंगे उसको, उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। यानी कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टेट चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर देंगे, अगर आप डेफिनेशन याद कर रहे हैं तो हम क्या बोल देंगे, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्या चीज, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो मैंने आपको क्या बात बताई कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है हीट करने पर, और जिस टेम्परेचर पर ऐसा हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट अगर कोई पूछे आपसे तो आप क्या जवाब दे देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अब वो सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, मैंने क्या बात पूछी थी आपसे कि हम इसको हीट कर रहे हैं, हीट करके सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो थर्मामीटर का टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए, मतलब थर्मामीटर भी टेम्परेचर ज़्यादा शो करना चाहिए उसको क्योंकि हमने हीट दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि देखो एक सीधी सी बात है, मैं इसका बिल्कुल आपको बेसिक सी चीज़ समझा देता हूँ। ये यहाँ देख लो, सॉलिड जो होते हैं ना, सॉलिड आप जानते हो ये वाली बात कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, ये बात समझ में आती है। हमने अभी पिछली क्लास में इनकी प्रॉपर्टीज देखे थे, इनके बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब जब आप इसे हीट करते हो ना, तो इन पार्टिकल्स को क्या हो जाती है, एक एनर्जी मिल जाती है, इन पार्टिकल्स में क्या हो जाती है, एक
एनर्जी आ जाती है, जो एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और उस एनर्जी की वजह से ये पार्टिकल्स आपस में वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। पहले क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, हिलते हैं ये जोर जोर से, उसके बाद क्या होता है, अलग हो जाते हैं। और जैसे ही ये पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे तो थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, और हमने ये बात पढ़ी है कि पार्टिकल्स अगर दूर दूर होते हैं तो वही कौन सी स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट होती है। और इसी रीजन की वजह से सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में। यानी कि जो हीट हम दे रहे हैं वो यूज हो रही है क्या करने में, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने में। दोबारा सुनो, जो हम हीट दे रहे हैं वो यूज हो रही है क्या करने में, पार्टिकल्स के बीच में जो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा था ना हीट करने की वजह से, उससे पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, और जो हम हीट दे रहे थे वो यूज हो जाएगी क्या, इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में। और अल्टीमेटली कौन सी स्टेट आ जाएगी, लिक्विड स्टेट आ जाएगी। यही रीजन है कि यहां पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा। समझ में आ गया आप सबको? तो यानी कि जो हम हीट कर रहे हैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ता लेकिन स्टेट चेंज हो जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो हीट है ये हिडन है, छुपी हुई है ना, क्योंकि टेम्परेचर हमें नहीं पता चल पा रहा। इसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स इसी हीट को, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है, डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी, एक बार मैं बता दूं। लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड स्टेट इंटू लिक्विड स्टेट। ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी हीट हमें देनी पड़ी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। फ्यूजन आप पहले पढ़ चुके हैं, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक टर्म यहाँ पर और आएगा, लेटेंट हीट तो आपको समझ में आ गई, ये हर एक केस में होगी। अब एक चीज और आएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या आएगा टर्म, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कुछ भी नहीं है, जो आपने अभी लेटेंट हीट पढ़ा है ना सेम वैसे ही है, बस एक चीज चेंज कर देनी है। मैं बता लेता हूं पहले, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब क्या चीज हुई है यहां पर, अमाउंट जो है वो 1 kg आपने कर देना है बस। तो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट हमें देनी पड़ी, उस हीट को हम क्या बोल देंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्यूजन वाला जो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 4-5 हमने कुछ टर्म्स देखे हैं, फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग ऑफ आइस, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये सारे आपने अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, अभी इसके आगे का स्टेप, ये हमारा अभी फर्स्ट पार्ट हो गया मेल्टिंग वाला, अब इसके आगे हम चलते हैं। अब इसके आगे क्या, आपने देखा अभी 0 degree Celsius पर ही क्या है, लिक्विड है यहां पर, और टेम्परेचर अभी नहीं बढ़ा है ना। अब आप क्या करो, इसको भी हीट करना शुरू कर दो। अच्छा यहां तक ये पार्ट खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं एक तरह से। अब आपने इसको हीट करना शुरू करना है। अब जब हीट इसको करेंगे, ऑब्वियस ही बात है पानी गर्म होगा तो थर्मोमीटर का भी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। आप उस टेम्परेचर को बढ़ने दें, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब ये टेम्परेचर आप हीट करते जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते ये टेम्परेचर जैसे ही 100 degree Celsius पर पहुंचेगा, कितने पर, 100 degree Celsius पर। तो जैसे ही ये टेम्परेचर 100 degree Celsius पर पहुंचेगा तो पता है हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पर एक और जादू देखेंगे। हम ये देखेंगे 100 degree Celsius पर पहुंचने के बाद हीट हम करते जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर अब इसका नहीं बढ़ रहा। टेम्परेचर यहां पर भी आकर क्या हो गया, इसका उतना ही रह गया, और एक इसमें चेंज होना शुरू हो जाएगा। हमें यहां से बहुत सारी वेपर्स निकलती हुई दिखाई देने लग जाएंगी। क्या दिखाई देंगी हमें यहां से, बहुत सारी वेपर्स या भाप हम इसको कह सकते हैं। तो आप लोग बता सकते हो यहां पर क्या हो रहा है, कुछ बच्चे बिल्कुल सही सोच रहे होंगे और कुछ बच्चों को नहीं पता चल पा रहा होगा। चलिए मैं बता देता हूं, यहां पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है, या इसको हम गैस भी कह सकते हैं। तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में, और इस प्रोसेस को हम बोल देंगे क्या, वेपराइजेशन। क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को, हम वेपराइजेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट या गैसेस स्टेट इज नोन एज वेपराइजेशन। ठीक है, अच्छा यहां पर आप देखेंगे पहले टेम्परेचर, यहां हमने हीट कर रहे थे तो बढ़ गया, 100 डिग्री सेल्सियस तक हमने बढ़ा दिया, उसके बाद हम देखेंगे क्या हुआ, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर जो
पानी है वो लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और वेपर स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे सेम यहाँ हुआ था, पानी जो है, वाटर जो है, जीरो डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड स्टेट में भी था और लिक्विड स्टेट में भी था। इसी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है लिक्विड स्टेट में भी होगा और वेपर स्टेट में भी होगा, और लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, वेपराइजेशन कह देते हैं। ठीक है ना, तो पहली एक डेफिनेशन हमें यहाँ से मिलेगी वेपराइजेशन क्या होता है, आ गया होगा आपको समझ में ये। दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, एक प्रोसेस हो रहा है, क्या बॉइलिंग हो रहा है किसका, वाटर का। पानी एक तरह से देखो, पानी के बॉयल होने का, वाटर के बॉयल होने का मतलब पता है क्या होता है, उसको वेपर में कन्वर्ट होना, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाना, वेपर्स। कोई भी लिक्विड अगर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है हम बोल देंगे ये बॉइलिंग प्रोसेस है। सीधी सी बात, क्या कोई भी लिक्विड अगर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो हम क्या बोल देंगे, वो बॉयल हो रहा है, और इसी को हम क्या बोल देंगे, बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, ये मेल्टिंग ऑफ आइस था और ये क्या था हमारा, बॉइलिंग ऑफ वाटर। अच्छा, क्योंकि ये बॉयल हो रहा है तो एक टेम्परेचर पर होगा पर्टिकुलर, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है। दोबारा सुनेंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। आपने सुना होगा, आप बचपन से यही बात सुनते हुए आ रहे हैं ना कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो पानी के उबलने का मतलब क्या होता है, 100 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंचते ही ये वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। जैसे अल्कोहल के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 60-70 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होता है। ठीक है ना, एसीटोन है उसका भी लगभग इतना होता है। तो हर एक लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अच्छा मैंने बताया, आप जब इसको हीट करते जाएंगे, टेम्परेचर लिक्विड 100 डिग्री तक आपने पहुंचा दिया, उसके बाद आप हीट करते जा रहे हो, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, नहीं बढ़ेगा, जबकि वेपर्स बननी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, जो हीट इसमें यूज हो रही है उसको भी हम क्या बोल देंगे, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ये सेम वही वाली है डेफिनेशन, बस इसमें हम क्या बोल देंगे कि लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अगर आ जाए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये क्या होता है, ये इसकी पूरी डेफिनेशन ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं। देखते हैं किस बच्चे की डेफिनेशन सबसे अच्छी होती है और किस बच्चे ने इस डेफिनेशन को बहुत, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा है। मैं इतना हिंट दे रहता हूँ, इसकी जो डेफिनेशन है, जो हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेम वैसी डेफिनेशन है। थोड़ा सा उसमें चेंज होगा, वो आप मुझे बताएं क्या इसमें चेंज होगा और प्रॉपर डेफिनेशन इसकी क्या होगी, ये आपने मुझे जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे वीडियो देखेंगे अभी के अभी, इस वीडियो को पॉज करके आप मुझे बताएं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, अच्छा इसी वीडियो में, मतलब आज की ही क्लास में, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, एक ऐसा क्वेश्चन मैं दूंगा जो आप लोगों के लिए चैलेंज होगा, और देखते हैं उस चैलेंज को जल्दी से जल्दी कौन बच्चा एक्सेप्ट करके उसको क्लियर कर पाता है, उसका जवाब दे पाता है। ठीक है, तो इसलिए आप मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से समझते जाएं, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये सारे डेफिनेशंस पढ़ ली, सारे टर्म्स हमने पढ़ लिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये भी हमने पढ़ा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या पढ़ा है अभी हमने, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर के बाद प्रेशर का भी क्या होता है, यहाँ पर इफेक्ट होता है, किसका इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स, प्रेशर का। अब प्रेशर कैसे स्टेट चेंज करने में हेल्पफुल होता है उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, रह गई वो, ये भी बताना जरूरी है। आपने भी ये देखा कि जो सॉलिड है हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, लिक्विड में, है ना, हीट करके। और लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेपर्स में। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्या, फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, वेपराइजेशन। क्लियर है यहां तक। अच्छा एक प्रोसेस और होता है जिसमें जो सॉलिड है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर्स में या गैस में, कोई भी चीज हम लिख सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सब्लिमेशन। एक नया टर्म है सब्लिमेशन, क्या होता है, तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड स्टेट डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर स्टेट। मतलब जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर या गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
एक एग्जांपल इसका हम समझ लें, जैसे घर में हमारे कपूर होता है, कपूर यानी कि जैसे कैम्फर जो होता है, ठीक है ना। एक्टिविटी भी आपको दी हुई है, आप एक्टिविटी से भी समझ सकते हैं, एक्टिविटी में आपको पता चल जाएगा क्या है इसमें। या दूसरा एक मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। क्या करो आप, घर में मंदिर में कपूर रखा हुआ होता है, आप कपूर लें एक छोटा सा और ध्यान रखें कि इसका साइज कितना है, है ना। उसको आप ध्यान रखें भाई इतना बड़ा कपूर हमने लिया था, इतनी छोटी टिक्की हमने ली थी इसकी, ठीक। आप उसको क्या कर रहे हैं, कमरे में ऐसे ही रख दे कहीं भी खुले में, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। 2 से 3 घंटे बाद जब आप देखेंगे उसको वापस वहां पर जाकर, तो आप देखेंगे कपूर का साइज बहुत छोटा हो गया, बहुत कम हो गया, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको वहां पर कपूर ना मिले, गायब हो चुका हो वो। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर, जो वो कैम्फर था, जो कपूर था, वो सॉलिड स्टेट थी। कौन सी स्टेट थी, वो सॉलिड फॉर्म में था। वो जब आपने उसको ऐसे छोड़ दिया ना, तो वो डायरेक्टली ही वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, सारा कपूर एयर में उड़ना शुरू हो जाएगा। और सॉलिड यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्ट किस में, गैस में। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, सबलिमेशन। और हम देखेंगे पूरे कमरे में क्या हो जाएगा, खुशबू आने लग जाएगी, किसकी, कपूर की। सेम ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं किससे, जो नेप्थलिन बॉल्स होती है ना, फिनाइल की गोलियां होती है, घरों में हम रख देते हैं बेड वेड के अंदर या कपड़ों के बीच में हम डाल देते हैं, उसमें भी सेम ये चीज़ है। अगर कपूर नहीं है तो आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा एक केमिकल और होता है, अगर हम सॉल्ट की बात करें, ये होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की भी सेम ये प्रॉपर्टी होती है। अब एक्टिविटी जो आपको दी हुई है, एक्टिविटी में भी यही है, आपने एक अमोनियम क्लोराइड लेना है और एक कोई सा भी आपने सॉल्ट ले लेना है, घर में जो नमक वगैरह होता है, दोनों व्हाइट होंगे और दोनों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इनको सेपरेट करना है हमने, है ना। अब सेपरेट ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि दोनों दिखने में बिल्कुल क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो एक्टिविटी में आपको क्या बता रखा, आपने एक चाइना डिश लेनी है, चाइना डिश में आपने इनका मिक्सचर डाल देना है ना, और उसके ऊपर आपने एक इन्वर्टेड फनल आपने रख देना है, उल्टा करके एक फनल रख देना है जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, और ऊपर एक कॉटन लगा देनी है हल्की सी, नीचे से थोड़ा थोड़ा क्या करते जाओ, इसको हीट करते जाओ। जब हम हीट करेंगे ना, तो हम क्या देखेंगे, ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये डायरेक्ट कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा किसमें, वेपर्स में। तो वेपर्स इसकी धीरे धीरे करके उड़ेंगी। अब ऊपर तो हमने बंद करा हुआ है, तो सारे जो वेपर्स हैं वो साइड में जो फनल हमने लगा रखा ना, उसकी दीवारों पर चिपक जाएंगी, और नमक जो है, सॉल्ट जो है दूसरा वाला, उसका कुछ नहीं होगा, वो नीचे का नीचे रह जाएगा। तो थोड़ी देर बाद हम क्या कर देंगे, फनल को उठा देंगे, सॉल्ट अलग हो चुका है, अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये एक सबलिमेशन मेथड को भी हम यूज करते हैं एज ए सेपरेशन टेक्निक, ठीक है। चलो तो मैंने बताया सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर, सॉलिड टू वेपर, सारे टर्म होगा। क्या इनका उल्टा भी होता है, क्या हम वेपर्स को भी क्या कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे इसको, कंडेंसेशन। ये बचपन में आपने पढ़ा होगा ना 6th-7th class में, क्या कि चाय बन रही है, जैसे चाय बनती है जब, तो उसमें से वेपर्स निकल रही होती है, आप एक प्लेट रख दो स्टील की, प्लेट उठा के थोड़ी देर बाद देखोगे तो पानी की बहुत सारी छोटी छोटी बूंदें हमको दिखाई देती हैं, तो वो कंडेंसेशन हो रहा है। वेपर्स क्या हो रही है, डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही है किसमें, लिक्विड में। अच्छा ये बात ध्यान रखें कि यहाँ पर हम हीट दे रहे हैं और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, इस प्रोसेस को हम बोल देंगे सॉलिडिफिकेशन। कूल करना होता है यहाँ पर, टेम्परेचर कम करने पर ऐसा होगा। अच्छा क्या वेपर्स भी सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है, अभी हुई थी इसमें, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम सबलिमेशन ही कहते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। टेम्परेचर को बढ़ाने से भी स्टेट चेंज होती है, टेम्परेचर को घटाने से भी चेंज होती है स्टेट, ठीक है। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो प्रेशर का इफेक्ट आप लॉजिकली बस इतना सा ही समझ लें कि जो गैसियस स्टेट होती है, जो क्या होती है, गैसियस स्टेट, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, है ना। सपोज हमने एक ये कोई सिलेंडर लिया हुआ है, कोई वेसल लिया हुआ है, उसमें गैस हमने फिल करी हुई है, पार्टिकल्स क्या है, बहुत दूर दूर हैं। ये एक पिस्टन हमने लगा रखा है, आप जब इस पिस्टन को प्रेशर इसमें दोगे, नीचे की तरफ क्या कर रहे हो, तेजी से प्रेशर लगा रहे हो, जैसे पिचकारी होती है उसमें हम प्रेशर लगाते हैं, है ना। तो हम क्या देखेंगे, ये पिस्टन नीचे की तरफ आ जाएगा, और अब ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, जो पहले इतनी बड़ी जगह में थे, मैं थोड़ा और इसको कर दूं,
तो वो सारे पार्टिकल्स अब इस छोटी सी जगह में आ गए। अब जब इस छोटी सी जगह में वो पार्टिकल्स आ जाएंगे तो बिल्कुल पास पास हो गए ना, आप नेक्स्ट इसको क्या करेंगे और ज्यादा कंप्रेस कर देंगे, बिल्कुल यहां तक आप ले आएंगे पिस्टन को। तो पता है अब हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि पार्टिकल्स इतने पास पास आ गए और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये लिक्विड में, क्योंकि हमने तीनों जो ये स्टेट्स पढ़ी हैं, कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये जस्ट डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, कि पार्टिकल्स पास पास हैं या पार्टिकल्स दूर दूर हैं, पार्टिकल्स पास पास हैं या पार्टिकल्स दूर दूर हैं, ठीक है। अगर पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास अगर होंगे तो कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड स्टेट होगी। पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो जाएंगे तो कौन सी स्टेट होगी, लिक्विड स्टेट होगी। और दूर दूर हो जाएंगे तो कौन सी होगी, गैसेस स्टेट होगी। अब यहां पर एक गैस स्टेट थी, आपने प्रेशर अप्लाई करा और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करा, पार्टिकल्स पास पास आ गए तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। आप अगर पता है इसमें भी और ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको समझाया इसको आप अपनी डेली लाइफ में भी समझ सकते हैं। हम डेली देखते हैं ऐसा, कैसे, हमारे घरों में सिलेंडर आता है, एलपीजी सिलेंडर आता है ना। एलपीजी सिलेंडर जब आता है, आप देखना, जनरली सर्दियों का टाइम ऐसा होता है उसमें गैस भरी हुई होती है, हाईली कंप्रेस्ड उसको किया जाता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से गैस उसके अंदर फिल की जाती है। आप जब उस सिलेंडर को उठाकर देखेंगे ना तो उसके अंदर से लिक्विड की भी आवाज़ आती है, जैसे कि पानी भरा हुआ है इसके अंदर। वो एक्चुअली में पानी नहीं होता, वो गैस ही होती है, एलपीजी गैस होते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, हाई प्रेशर की वजह से और लो टेम्परेचर की वजह से, दो फैक्टर्स होते हैं ये, ठीक है ना। तो समझ में आप लोगों को आ गया, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर की, डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स की। हमने टेम्परेचर के बारे में बात करी, एक्चुअली में टेम्परेचर को मेनली हम मेज़र करते हैं, एक तो इसको मेज़र करेंगे हम किसमें, डिग्री सेल्सियस में, एक हम इसको मेज़र करते हैं केल्विन में, और एक हम इसको मेज़र करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये तीन क्या होते हैं, टेम्परेचर के स्केल्स होते हैं, लेकिन जो मेन जो यूनिट है टेम्परेचर को मेज़र करने की वो कौन सी होती है, केल्विन। ऐसा यूनिट जो होती है टेम्परेचर की वो क्या होती है, केल्विन होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं अपन, ये अब कई जगहों पर पता है क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मूले लिखे होते हैं इनको चेंज करने के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसको केल्विन में चेंज करो, या आपको केल्विन दिया हुआ है तो उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करो। और कई बुक्स में क्या होता है, ऐसे आपको एक ही फॉर्मूले को दो तीन बार कर करके दिखा रखा होता है, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एक ही फॉर्मूले से मैं आपको बताऊँगा आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है K इक्वल टू सी प्लस 273, ये टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए, मैं क्वेश्चन ही बता देता हूँ और कुछ मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, कन्वर्ट इनटू केल्विन। सपोज ये क्वेश्चन आ गया, इन टेम्परेचर को आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है ना। जैसे एक दे दिया आपको 25 डिग्री सेल्सियस, एक दे दिया आपको 100 डिग्री सेल्सियस, एक दे दिया आपको माइनस का 50 डिग्री सेल्सियस, ये तीन आपको टेम्परेचर दे दिए। अच्छा, अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके अब फटाफट से खुद करें, एक बार पहले खुद करें फिर उसके बाद चेक करते हैं कि आप कर पाते हो, आपके सही आए हैं नहीं आए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको। तो पता है स्टूडेंट्स इसमें क्या करना होता है, के इक्वल टू सी प्लस 273 है ना, तो ये आपको डिग्री सेल्सियस में जो दिया हुआ है ये वैल्यू आपने यहाँ सी की जगह रख देनी है, बस और कुछ नहीं करना। तो यहाँ लिख देंगे 25 प्लस 273, आंसर आ जाएगा कितना, 298 केल्विन, पहला पार्ट खत्म। तो आपने डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट्स, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट अगर हम देखें इसका, सेकंड पार्ट में क्या होगा, के इक्वल टू 100 प्लस 273, बिल्कुल यही हम करेंगे, और कितना आ जाएगा ये 373 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर कितना हो जाएगा हमारा ये
373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम देखें, अगर थोड़ा ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, K इक्वल टू सी प्लस 273, फॉर्मूला तो हमें यही लगाना है, C की जगह आपने क्या लिख देना है यहाँ पर, माइनस का 50, तो आप इसमें से मैथ लगाएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा कितना 223 केल्विन, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स ये 223 केल्विन। तो क्लियर हो गया होगा आप सभी को हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको, डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, ये था हमारा एक तरह का क्वेश्चन। अब हम इसका एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें क्या किया जाएगा, कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाएगा और अब की बात आपको अब की बार केल्विन दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ये 25 केल्विन, 100 केल्विन और एक और आप ले लेंगे 0 केल्विन। मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि अलग अलग फॉर्मूले यूज़ नहीं करने, क्योंकि कुछ बुक्स में क्या करते हैं इसको ऐसे करके शो कर देते हैं और बच्चा फिर ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाता है, भूल जाता है, तो आप ऐसा ना करें, यही फॉर्मूला अप्लाई करें। ठीक है, चलो मैं एक पार्ट आपको करके दिखाता हूँ, आप भी साथ साथ ट्राई कर सकते हैं। के इक्वल टू सी प्लस 273 था, के आपको दिया हुआ है कितना 25, तो ये हो जाएगा 25 केल्विन इक्वल टू सी प्लस 273, क्या करेंगे इसको उधर लेके चले जाएंगे हम, तो 25 माइनस का कितना हो जाएगा 273, अल्टीमेटली माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 258 केल्विन और निशान आएगा बड़े वाले का यानी कि माइनस का, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड में हम देखेंगे फॉर्मूला अगेन हम यही लगा देंगे, के इक्वल टू सी प्लस 273 और के की जगह यहाँ पर आपने लिख देना है कितना 100 और ये हो जाएगा कितना 273 और सी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी हमारी माइनस का 173 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो क्या वैल्यू हो जाएगी माइनस का 173 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू हो जाएगी सेकंड वाले पार्ट के। थर्ड वाला पार्ट मुझे आप करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में है, ये किसके बीच में है, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन देखते हैं सीधा सीधा सा, कन्वर्ट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इनटू, तो क्वेश्चन है कन्वर्ट करना है आपने डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आपको सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस और एक आपको दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इनको हम डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे करेंगे, यही आपने एक फॉर्मूला लगाना है और आप जानते हो सी की जगह आपने क्या रख देना है, बस 25 रख देना है और इससे कट जाएगा 9 × 5 = 45 प्लस 32 तो कितना हो जाएगा ये 5 × 7 और 4 × 3 = 7 तो लिख देंगे 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें इसका, तो f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, c की जगह हम लिख देंगे 100 प्लस का कितना हो जाएगा 32, इससे ये कट जाएगा 9 × 2 = 18 180 प्लस 32 तो कितना हो जाएगा ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन, अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो या किसी को भी किस में कन्वर्ट करो, तो उम्मीद है आप लोग इसको कर पाओगे। इसी तरह से यहाँ पर भी एक ऐसा ही है, डिग्री सेल्सियस में अगर दे रखा था और उसको फ़ारेनहाइट में तो हमने कन्वर्ट कर लिया, अच्छा अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाए क्या आप उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर पाओगे, बिल्कुल आसान है। आप डिग्री फ़ारेनहाइट जो दे रखा हो, सपोज आपको दिया हुआ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसकी वैल्यू आप यहाँ रख दें, सॉल्व कर दें इसको, इस पहले इसको माइनस कर दें इधर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपका डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था चैलेंज होगा आप लोगों के लिए, और वीडियो अपलोड करने के बाद देखते हैं जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कौन बताता है, आंसर करेक्ट होना चाहिए और जिसको पूरा कॉन्फिडेंस हो वो सॉल्यूशन भी भेज सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है, एट व्हाट टेम्परेचर डज
एट व्हाट टेम्परेचर डज द डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट हैव सेम वैल्यू। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया, वो टेम्परेचर आप बताओ जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है कैसा टेम्परेचर जिस पर दोनों जो हमारे मेजर्स हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यूज क्या आती है, सेम आती है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कौन दे पाता है। आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे और चैप्टर हमारा काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। अब एक इसकी लास्ट वीडियो और बनेगी पार्ट थर्ड की, और वो शायद हो सकता है छोटी बने या हो सकता है मैं इसी वीडियो में उसको ऐड कर दूँ। ठीक है, जो भी आपको कोई बीच में डाउट्स हो, जो भी कोई आपको प्रॉब्लम्स हो, आप बेझिझक फ़ोन करके या यूट्यूब पर कमेंट्स करके, आप किसी भी तरीके से या डायरेक्ट व्हाट्सएप करके, आप किसी भी तरह से अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। बाकी इस चैप्टर के जो नोट्स हैं उसका भी मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।